हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई रेसिपी, और आज हम आपको जो रेसिपी बनाकर दिखाएंगे वो उसी मिल्क पाउडर से बनाएंगे जो कि हमें आंगनवाड़ी में मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है और सिर्फ मुझे एक गिलास दूध लेना है। ना तो आपको इसके साथ चीनी की ज़रूरत होगी और ना ही पिसी हुई बूरा की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि इसके अंदर पिसी हुई चीनी पहले से ही अवेलेबल होती है, तो इसलिए आप इसमें मीठा बिल्कुल ना मिलाएं। बिना मीठे की भी आपकी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। ये मैंने एक गिलास दूध लिया हुआ है। अब हम लेते हैं एक कढ़ाई, खाली कढ़ाई को हम अपने गैस पर रख लेंगे और अब मैं इसे ऑन करूँगी। जैसे हमने पहले बताया था, हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। आज हम आपको बिल्कुल मथुरा जैसे पेड़े बनाकर दिखाएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हमारा घी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। आपको अपने घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। देखिए, आपका घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक गिलास दूध और इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी। फ्रेंड्स, आंगनवाड़ी में हमें जो ये मिल्क पाउडर मिलता है इसकी कई फ्लेवर आते हैं। इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी आता है, इलायची फ्लेवर भी आता है और वनीला फ्लेवर भी आता है। आप जो भी यूज़ करेंगे उसी से ही आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध हल्का हल्का गर्म हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया था, इसे आपको बॉईल करना है। अब हम इसके थोड़ी देर के लिए बॉईल होने का वेट करेंगे। तो देखिए, हमारे दूध में बबल्स आने लगे हैं। इसका मतलब हमारा दूध बॉईल हो चुका है। एक बार मैं इसे हिला दूंगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं। और अब हम लेंगे मिल्क पाउडर, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके अपने दूध में मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा दूध बॉईल हो चुका है। आपको एकदम से इसे बिल्कुल नहीं डालना है, धीरे धीरे आप इसमें डालते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक पैकेट में पूरा यूज़ कर लिया है। अब मैं इसे अपने दूध में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सा फ्लेवर लिया है, तो वो भी मैं आपकी जानकारी लिए आपको बता देती हूँ। ये मैंने वनीला फ्लेवर लिया हुआ है। तो अब मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ से लगे नहीं बिल्कुल भी। बस अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसे आपको नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं लगने देना है। तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर बनाऊँगी। तो देखिए, आप
ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कई बार हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल तो होती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम उस चीज़ का क्या बनाएं या क्या ट्राई करें। तो आप अपने जो आंगनवाड़ी में जो मिल्क पाउडर मिलता है उसे वेस्ट ना जाने दें। घर पर आप अपने बच्चों को उसकी पेड़ी या फिर मिठाई कुछ भी बनाकर खिलाइए, क्योंकि आपको पता है मिल्क पाउडर से बहुत सी ऐसी रेसिपी बन जाती हैं जो आपके बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 10 से 15 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी ये थोड़े ही हमारा जो पेस्ट है वो अभी थोड़ा पतला है। अगर आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो काफ़ी टाइट हो जाएगा, इससे आपके पेड़े बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। अभी ये हल्का गर्म था इसलिए आपके पेड़े थोड़े फैल रहे हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो हमारे कितने मस्त पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, मैंने इसमें 2 प्लेट पेड़े बना लिए। और अब इसकी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर रखूँगी थोड़ा पिस्ता। तो एक ही करके मैं इसके ऊपर पिस्ता रख दूँगी। यह पिस्ते से गार्निश में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो इसमें बादाम भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें एक ही करके ये पिस्ता गार्निश के लिए लगा रही हूँ। तो देखिए, होममेड पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड, ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहूँगी। आप हमें इसी तरह सहयोग देते रहिएगा। हमारे कितने बढ़िया और कितने मस्त पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। जितने ये दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बने हुए हैं। अगली फिर से ऐसे ही नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।